इस वीडियो को देखिए, इन आंसुओं को देखिए, इनके विलाप को महसूस करिए। क्या इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं? क्या एक आम आदमी के जीवन में हो रही घटना सिर्फ नेताओं के वादों तक टिकी है? बीते महीने जौनपुर जिले के सिंगरामऊ में दो युवकों की मौत हो गई थी। ये विद्युत विभाग की लापरवाही से हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए थे। घटना के दो महीने बाद भी परिजनों को मुआवजे के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिला। एक पीड़ित असहाय की आवाज आपको दूर तक पहुंचानी है। नहीं सर, मैं अमरनाथ यादव बचू आरती बोल रहा हूँ। जो कह करके गए कुछ मिली थी, कुछ मिली नहीं। मदद हम पीड़ित परिवार को कुछ नहीं। फिर तो कोई हम लोगों के घर आया भी नहीं, पूछने की क्या हुआ क्या नहीं। आश्वासन के नाम पे कहा क्या गया था? कुछ धनराज देने को कहे थे सर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कहे थे कि पीड़ित परिवार आए थे हमारे यहाँ, ये सांसद जो जीते हुए वो भी आए थे, और बाबू सिंह कुशवाहा आए थे, धनंजय सिंह भी आए थे यहाँ, वो कृपा शंकर सिंह आए थे, रमेश मिश्रा विधायक भी आए थे सर। सब लोग आश्वासन दे करके लाश को फुकवा दिए, उसके बाद फिर कोई यहाँ घूम करके आए नहीं सर। आप क्या करते हैं? सर यही मजदूरी करते हैं सर, यही लिबराना करके अपना पेट जीवन कर रहे हैं सर। अमारी तमाम माहिती थी अपडेट रहेवा माटे जोड़ायेला रहो S9 न्यूज साथे।